चेस्ट मसल में अच्छा हो जाए और हम इंजरी फ्री रहें। तो ये लॉक बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो फ्री नीचे स्लो आना है, यस। कर अपने डंबल को दोबारा, फिर दोबारा बॉडी पावर लेगी, फिर उसको सही से टेक्निक पे ले जाओ, देन फिर अप। सेट करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। ए बस हो गया, यानी कि चेस्ट से कम इतना ऊपर डंबल। तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। तो भैया दोबारा मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने दो बच्चों के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, खासकर उन मेरे भाइयों की जो बिगनर है, उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, ना ही उनके ट्रेनर उनके ऊपर ध्यान दे पाते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो एथलीट होते हैं, जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, प्रो एथलीट होते हैं, उन लोगों को तो पता ही होती है कौन सी ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो मैं खासकर कोशिश करता हूँ हमेशा उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर जिम में या घर वाले या कहीं भी एक्स वाई जेड ध्यान नहीं जा पाता है, तो उनको मेरी वीडियो के द्वारा हेल्प मिल जाए। अपना मोटिव बस इतना ही है। तो आज मैं कराऊंगा इन दोनों लड़कों को चेस्ट का वर्कआउट। इन दोनों को तो आप जानते होंगे, पिछली वीडियो में आपने देखा ही है, खूब प्यार भी दिया है। बट आज मैं वो एक्सरसाइज कराऊंगा जो मेरे खासकर बिगनर भाई यूज़ कर सकते हैं अपने चेस्ट के मसल और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में। तो चलो पहले हम शुरुआत करते हैं अपने वार्म अप से। जैसे कि अपने स्ट्रेचिंग वगैरह आप लोगों को पता ही है, मैं पहले कराऊंगा अपनी पुशअप्स, और आज पुशअप्स कराएंगे हम लेग्स को ऊपर रख के। चलो भाई पुशअप स्टैंड लेके आओ। सो मेरे भाइयों, मैं दिखा रहा हूँ आपको दो तरह के पुशअप्स, जो कि मेरे खासकर मेरे बिगनर भाई अपने, जिनके स्ट्रेंथ नहीं है वो अपना मार सकते हैं अपना नी बैंड पुशअप। जिनको नहीं आती है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी अपने हाथ वाइड कर, ठीक है, एल्बो को बाहर की तरफ लाना है और नीचे जा। इससे क्या होगा, मेरे जितने बिगनर भाई है उनके धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो फिर लेवल अपना ऊपर करके अलग तरह के पुशअप मार सकते हैं। जिसका इससे ऊपर का लेवल है वो अपने लेग्स को किसी भी बैंड या स्टेपर पर ऐसे रखें और अपना ये वाले पुशअप्स, ठीक है, शाबाश। ये पुशअप्स के आप लोगों को लगाने हैं चार सेट, और हर सेट में कोशिश करनी है कि भैया कम से कम मैक्सिमम रह पाए। कोई गिनती नहीं है, दो भी मारो, दस भी मारो, बीस मारो, पचास मारो, एज योर बीच। चलो आपको बता देता हूँ, पुशअप्स करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर बिगनर भाइयों के लिए, क्योंकि पुशअप्स ही आपकी हेल्प करती है आपकी स्ट्रेंथ में, आपके स्ट्रक्चर में, और आपके फ्यूचर में आपके मसल्स के बॉडी पार्ट कैसे इंप्रूव होते हैं वो आपकी पुशअप्स ही आपकी डिसाइड करती है। आपने कितनी पुशअप मारी, कितनी नहीं करी है। एक मसल को अच्छे से रेडी करने के लिए और इंजरी फ्री करने के लिए अच्छे से उस मसल्स को वार्म करना ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से पुशअप्स मारनी बेस्ट है। सो भाई वार्म अप के बाद हम पहला वर्कआउट शुरू करेंगे अपना फ्लैट बेंच प्रेस। और फ्लैट बेंच प्रेस एक ऐसा सोर्स है चेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें सारे मसल वर्क करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि पहला जो भी अपना हम फ्लैट बेंच प्रेस मारे कि उसको विदाउट वेट मारे, एटलीस्ट आपको समझ आए कि वो कैसे करनी है। चल वरना क्या होता है, बेंच इधर जा रही है, हाथ इधर जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, उससे आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको सेफ रखने के लिए सबसे पहले इसकी ग्रिप, ग्रिप की बात करते हैं, तो ग्रिप आपका ये लॉक बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो समझ, नीचे थोड़ा सा उठा। अब दूसरी बात होती है इसको लेने कहाँ पर, लोग बाग यहाँ लेते हैं, कोई यहाँ ले रहा है, कोई यहाँ ले रहा है, इसको बिल्कुल मिडिल चेस्ट पर लेना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, क्योंकि आप लोगों बिगनर। चलो कमान, यस, शाबाश। और कोशिश करना है इसको सीधे लेके आना है, और नज़र सिर्फ बार पे रखनी है, नज़र बार पे, और दिमाग दोनों तरफ की, ना इधर से नीचे हो ना इधर से नीचे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है खासकर बिगनर भाइयों को। और ब्रीथ आपको जब आउट करनी है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वेट जाता है, यानी कि जब आप बेंच को ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करनी है। चलो और 10-15 रैप, जब आपको लगेगा कि भाई मैं बहुत अच्छे से रॉड को मार रहा हूँ तब वेट बढ़ाना है। अब लगे कि भाई मैं रॉड ही नहीं मार पा रहा तो रॉड से मारो यार, चार सेट चलेगा। चल भाई, तो ये पहला सेट इसलिए था ताकि इसमें ब्लड फ्लो अपनी चेस्ट में, अपने चेस्ट के मसल में अच्छा हो जाए और हम इंजरी फ्री रहें। चलो भाई, ये अपना पहला सेट शुरू कर रहा है अपना वार्म अप के बाद। चलो इसकी बॉडी अच्छे से वार्म हो चुकी है, चल और सिर्फ 10 रैप मारने, ठीक है। चल बिल्कुल सीधी बार, 1 कंप्लीट, 2 चल शाबाश, 3 कमान, 4 चलो कमान, 5 चलो शाबाश, आराम से नीचे स्लो, चलो नीचे स्लो, चलो वेरी गुड, चलो शाबाश, 10 रैप। सो मेरे भाई, जो आज मैं ट्रेनिंग बताने वाला हूँ खासकर मेरे बिगनर भाइयों को, एक बार बता देता हूँ, यही बेसिक ट्रेनिंग होती है, इसी से मसल बिल्डअप होते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर वीडियो में या मेरे जिमों में भी, कोई प्लेट लेके ऐसे मार रहा है, कोई डंबल लेके ऐसे मार रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गुमराह करने की चीज़ होती है, मैं भी गुमराह कर सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, वैसे बना सकता हूँ, ये बता देता हूँ। तो जो एक्चुअल में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो यही ट्रेनिंग है जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ इन भाइयों को। चलो जो भी मैं अपनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको एटलीस्ट आपको 6 वीक इसी शेड्यूल को फॉलो करना है,
कम से कम ऐसा हो आपका मसल बिल्डअप हो जाए, देन उसके बाद कुछ चेंजेस लाना। अभी 6 हफ्ते कम से कम यही ट्रेनिंग करना, उसके बाद कोशिश करना कुछ नया करने की। बार बार अपनी वर्कआउट को चेंज मत करो, उससे मसल बिल्डअप नहीं हो पाता। सो चलो अपना वर्कआउट चल रहा है, वर्कआउट के बीच में ऊपर आ चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई डाइट क्या खानी है और वर्कआउट क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाई देता हूँ कैसे ना कैसे वीडियो के थ्रू। अब बात आती है कि मैं आपको ये नहीं बता पाता हूँ कि आपको एक्चुअल में फूड सप्लीमेंट लेने कहाँ से चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब भी आपके अंदर लगता है कि हाँ यार मेरे को कुछ फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए, या तो आप अपने ट्रेनर से लेते हो, ट्रेनर के में फंस जाओगे कुछ ऊपर सीचे थोड़े पैसे कमाने के लिए आपको गलत दे देगा, नकली दे देगा, या आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको बिगनर देख के कि हाँ भाई नया बच्चा है इसको तो कुछ भी दे दे, तो वो पैसे के 2 रुपये कमाने के एक्स्ट्रा के चक्कर में आपको कोई भी फूड सप्लीमेंट चेप देता है जिससे आपकी बिल्डअप यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अपना फूड सप्लीमेंट का स्टैक कहाँ से मंगाना है, जो कि मेरा आज ही डिलीवर हुआ है अपना न्यूट्रीस्टार से। न्यूट्रीस्टार से लेने का फ़ायदा ये है कि पहली बात इसमें फेक सप्लीमेंट कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी बात पूरे पैन इंडिया डिलीवरी है, 2 से 3 दिन में आपके पास सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट आपके पास पहुंच जाएगा, तीसरी बात हर बॉक्स के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सप्लीमेंट अपना जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। मैं आपको बता दूँ इनकी कस्टमर केयर सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको अपना सप्लीमेंट स्टैक ट्रैक करना है तो वो भी आपको पता चल जाता है, और आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप इनके कस्टमर केयर पे जाके बात कर सकते हो, फ़ोन नंबर होता है कस्टमर केयर का। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा फेक सप्लीमेंट की क्वांटिटी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोशिश कीजिए एक अच्छी वेबसाइट से आप लोग अपना फूड सप्लीमेंट मंगाइए, जैसे कि अपना न्यूट्रीस्टार, जहाँ पे आपको अपना प्योर और जेन्युइन सप्लीमेंट मिलेगा जो कि अपना न्यूट्रीस्टार। सो नीचे मैं अपना लिंक मेंशन कर रहा हूँ, जाओ अभी जाके अपना स्टैक ऑर्डर करो और मेरा कूपन कोड जरूर लगाना टाइगर बेस्ट डिस्काउंट के लिए। चलो अपना वर्कआउट बाकी है, वर्कआउट करते हुए शुरू। चलो भाई अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपना फैट बेंच डंबल प्रेस, तो इसमें आप लोगों को मारने 8 से 12 रैप। अगर आपको लगे कि 12 रैप ईजी आ गए तो वेट बढ़ा दो, अगर आपको लगे कि यार 8 रैप भी बहुत हैवी आए हैं तो वेट मत बढ़ाओ। ऐसा भी नहीं करना बड़े प्यार से 12 रैप मार दिए फिर वेट नहीं बढ़ाना, और बड़ी ज़्यादा जान लगा के 8 रैप मार दिए फिर वेट बढ़ा लिया, तो दोनों का मीनिंग समझना कि अगर वेट ज़्यादा मारने की कोशिश करोगे 8 रैप के बाद बड़ी प्रेशर लग रहा है तो आपको इंजरी हो जाएगी, और 12 रैप के बाद बड़ा इजी लग रहा है मारना तो फिर वो मसल डेवलप नहीं कर पाएगा ना कि स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाएगा, ठीक है। तो चलो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोगों को वेट चूज़ करना है, तो चलो सेट करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। चलो डंबल उठाओ आप, चल लेट अप डाउन लेट उठा, शाबाश चल 1 चल 2 शाबाश 3 नीचे स्लो आना है, यस ऊपर कैसे भी नीचे स्लो आओ, वेरी गुड और स्लो आ, चलो कम ऑन और स्लो आ, सिर्फ 10 से 12 रैप, चलो शाबाश वेरी गुड स्लो आ, तेज आ रहा है स्पीड से नहीं आना, नीचे स्लो आओ, डंबल को कंट्रोल करते हुए लाना है, ऐसा नहीं है कि एक डंबल इधर भाग रहा है डंबल इधर भाग रहा है, इस चीज़ को आप बिगनर भाइयों ने बहुत ध्यान से देखना है। लोग बाग मैं देखता हूँ ऐसे बाहर लेके आते हैं डंबल इतना दूर, इतना दूर नहीं लाना है, इतना दूर हमारी चेस्ट का मसल सपोर्ट करना बंद कर देता है, हमारे शोल्डर पे आता है और डंबल गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। डंबल नीचे आना चाहिए, कितना लोग बाग करते जा नीचे, लोग बाग करते नीचे आ गया इसके बाद भी नीचे दबाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये नीचे आएगा सिर्फ इतना आ नीचे ए बस हो गया, यानी कि चेस्ट से कम इतना ऊपर डंबल है और उसको फेंक दो बस, फेंक दो बस, इतना नीचे मसल को डंबल को नहीं ले जाते, आप लोग देख रहे हो ये शोल्डर पे आ रहा पूरा पूरा, अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा ना डंबल तो ये शोल्डर से जाएगा मतलब शोल्डर लोड देगा, और इसमें चांस बढ़ जाते हैं आपकी शोल्डर इंजरी होने के। आप लोगों ने देखा होगा बेंच मारते टाइम या डंबल मारते टाइम आप लोगों को या किसी भी भाई को शोल्डर पेन होने लगता है, उसका रीज़न ही हो लगता है, हम लोग क्या करते हैं या आप लोग क्या करते हो उस डंबल को नीचे ले आते हो यहाँ पर ये लिया लिया है, अब यहाँ से जब आप फेंक रहे हो ना तो आपकी चेस्ट का मसल तो लोड लेना कर दिया उसने ख़त्म, वो आपका शोल्डर उठाता है और उस शोल्डर ने इधर उधर कर दिया वही आपका दर्द बन जाएगा, वही दर्द बनते बनते इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेना कितना है वो आपको बता दिया, ऐसे ही लेना इंजरी फ्री रहना। चल भाई सो मेरे भाई 2 वर्कआउट हो चुके हैं, पहला हो गया हमारा बेंच प्रेस जिसके हमने हमारे 4 सेट, दूसरा हो गया हमारा डंबल प्रेस जिसके भी हमने करने हैं 4 सेट, दूसरी बात हमने मारने 8 से 12 रैप, 8 से 12 रैप जैसे मैंने आपको बताया वेट उतना ही मारना है कि 12 रैप तक बॉडी खींच के जाए, ईजी ना लगे, 8 रैप अगर बहुत मुश्किल से आ रहे हैं तो वेट ना बढ़ाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, आइए। सो भाई ये है अपनी तीसरी एक्सरसाइज थर्ड वर्कआउट, सेम करना है और ये है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और इसको करने का तरीका क्या है, चल उठा आराम से, चल नीचे जा स्लो कम ऑन एंड स्लो अप शाबाश, चल 2 चल 3 चलो
फोर कमान फाइव चलिए सिक्स चलो सेवन चलो एट चलो नाइन वन मोर टेन बस। जब आपको लगे कि भाई 12 रैप तक खींचना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा तो उसको रख दो, ज़रूरी नहीं है 12 तक ही पहुंचना, 10 आगे वो भी बढ़िया है। चल लक्की तू आ जा। अब एक बात और बताता हूँ आप लोगों को कि हमारी चेस्ट में 50-50% बनती कैसे है। 50% बनती है स्ट्रेच में और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में, यानी पुल करना ऊपर, प्रेस करना सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, टारगेट रखते हो बस नीचे लाया और फेंक दिया, नीचे लाया और फेंक दिया, नहीं नीचे स्लो लाओ, अच्छे से स्ट्रेच करो एंड देन अप, अच्छे से स्ट्रेच करो देन अप, चल स्लो, हाँ अच्छे से स्ट्रेच कर चेस्ट को, अब फेंक वन, चल स्ट्रेच कर अच्छे से थ्री, मसल माइंड कनेक्शन बनाओ अपना, चलो कमान फोर शाबाश, चलो फाइव वेरी गुड स्ट्रेच कर शाबाश सिक्स कमान सेवन चलो कमान एट चलो नाइन स्लो चल टेन स्लो स्ट्रेच कर और मार सकता है, चल मार चल शाबाश, हाँ ये चल स्लो ला स्ट्रेच कर अच्छे से वेरी गुड प्रेस कमान चल चल शाबाश स्ट्रेच कर अच्छे से स्ट्रेच कर, स्ट्रेच करना मत भूल जाया कर, चल कमान ये प्रेस स्ट्रेच कर पूरा स्ट्रेच कर चेस्ट को प्रेस ये बात स्टॉप। तो कितने मारे, 15 से ऊपर तो नहीं आते ना, तो ये फेलियर है तेरा, यानी कि इसका फेलियर है 15 नहीं मारने हैं, बट 15 आ गए हैं तो आप वेट बढ़ा सकते हो। अगर 12 से ऊपर आ गए हैं तो आप इजीली वेट बढ़ा सकते हो, बट 12 से नीचे आए 8 तक आए चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 भी आ रहे तो वेट बढ़ा दिया ज़बरदस्ती मार दी, नहीं चलो। सो वेट आप लोग सिर्फ अपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डालना, ठीक है चलो। सो भैया फाइनली अपना लास्ट वर्कआउट अपना इंक्लाइन डंबल प्रेस, और डंबल प्रेस को करने का तरीका वही है कि इसको ज़्यादा डीप नहीं लेके आना, ताकि ऐसा ना हो आप लोग नीचे लाए और स्ट्रेच करें सोचे कि भैया चेस्ट ज़्यादा बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, आप अपनी शोल्डर इंजरी कर लोगे। कितना लेके आ रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, चल चल आ नीचे ए बस वन शाबाश टू बस नीचे स्लो लेके आ स्लो थ्री वेरी गुड स्लो लेके आ स्लो फोर शाबाश, जब ऊपर जाते तो ब्रीथ आउट स्लो आना नीचे नीचे स्लो आ स्लो हाँ चल फेंक बस फेंक शाबाश फेंक नीचे, मतलब वही गलती कर रहा है ना बस इतना फेंक हाँ चल फेंक ऊपर शाबाश ये चल शाबाश। पहला सेट है फेलियर तक मारियो, उसके हिसाब से फिर बताऊंगा कि वेट कितना बढ़ाना है। स्लो भाग के तो कोई भी मार लेगा जल्दी जल्दी में, हाँ दोनों शोल्डर पर ध्यान दे, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, इस चीज़ का आप लोगों को बड़ा ध्यान देना है। अपनी ट्रेनिंग आप अपने आप कर रहे हो तो आपकी गलती आप खुद पकड़ोगे, मैं हर जगह नहीं खड़ा रहूँगा कि भैया अगर लग रहा है कि शोल्डर लेफ्ट वाला या राइट वाला टेढ़ा मेढ़ा जा रहा ना तो रुक जाओ, कोई बात नहीं रुक जाओ, कंट्रोल करो, ऊपर कंट्रोल करना नीचे नहीं, कि ऊपर कंट्रोल किया ठीक है भाई अब दोबारा मारेंगे तो फिर उसको आराम से मारो, सही हुआ फिर शुरू करो, 3-4 रैप के बाद फिर और दोबारा गलत होगा, फिर ऊपर उसको कंट्रोल करो फिर सही करो। अब क्या होता है तुम्हारा रेपिटेशन रहते हैं 12, तुमने माइंड सेट कर लिया 12 का, तो तुम क्या करते हो कि भैया 12 पे ही रुकना है, चाहे हाथ टेढ़ा मेढ़ा जाने लगे चाहे हाथ बहुत ज़्यादा वाइड जाने लगे लेकिन रुकेंगे 12 पे ही। ऐसा नहीं है, फॉर्म सबसे ऊपर होती है, आपको लग रहा है कि मेरी फॉर्म गलत हो गया तो आप ऊपर रुकिए, कंट्रोल करें अपने डंबल को दोबारा, फिर दोबारा बॉडी पावर लेगी, फिर उसको सही से टेक्निक पे ले जाओ देन फिर अप, ठीक है। फॉर्म सबसे ऊपर है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, टेक्निक ही सब कुछ है, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, लग रहा है कि भैया 12 रैप या 13 रैप या 14 रैप बड़े ईजिली आ गए तो वेट बढ़ाना है, अगर उससे पहले नहीं आ रहे बहुत मुश्किल से आ रहे तो वेट मत बढ़ाना, अगर मुश्किल से आ रहा है आप लोगों ने फिर वेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, आप वही काम करोगे कि बस अपना टारगेट है पूरा करना, चाहे हाथ यहाँ है चाहे हाथ यहाँ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के करना है, तो चलो आप लोग इसके 4 सेट करो चलो। तो मेरे भाई ये है चेस्ट का वर्कआउट, खासकर मेरे बिगनर भाइयों के लिए। आप लोग काफ़ी वर्कआउट देखते होंगे यूट्यूब पे कि केबल क्रॉस मार रहा है, कोई बटरफ्लाई मार रहा है, कोई डिक्लाइन मार रहा है, कोई एक्स वाई जेड जो भी मार रहा है, आप लोगों को वो ट्रेन नहीं करना है। एटलीस्ट 6 वीक ये वाली ट्रेनिंग अपनी यूज़ करो अपने चेस्ट के वर्कआउट में। इससे होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ इससे होगा क्या, इससे आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टाइटनेस आएगी, और दूसरे वर्कआउट करने के लिए यानी कि जो आप लोग देख रहे हो केबल क्रॉस एंड बटरफ्लाई, उससे आप इंजरी फ्री रहोगे और उसके करने की टेक्निक आपको जल्दी आ जाएगी। तो अभी खासकर 6 वीक ये अपना वर्कआउट करना, 6 वीक्स के बाद बेशक मैं कुछ भी नया वर्कआउट ज़रूर डालूंगा आप लोगों के लिए, फिर अपना वर्कआउट चेंज करना, अभी के लिए इतना ही। और अभी के लिए एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक कमेंट और शेयर बहुत कम कर रहे हो,
तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जितना ज़्यादा करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी अपनी नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं करोगे तो भैया अपना भी डब्बा गुलो जाएगा और हम भी अपने जिम पे वर्कआउट कराते रहेंगे। कोशिश करो वीडियो को शेयर करो, आप लोगों के दोस्तों तक पहुँचे, जिनके यहाँ सहूलियत नहीं है ट्रेनर की वहाँ तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। तो चलो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।